हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम निकम्मा मूवी का कलेक्शन और आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों 17 जून 2022 को शिल्पा शेट्टी, अभी मन्यु दसानी और सरली सेतिया की फिल्म निकम्मा 1250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। ये साल 2017 में आई तेलुगु फिल्म मिडिल क्लास अबाई का हिंदी रिमेक है और ये हिंदी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने ओपनिंग डे पर 51 लाख रुपए का बिजनेस किया है और दूसरे दिन यानी शनिवार को 48 लाख रुपए का बिजनेस किया है और तीसरे दिन की बात करें तो इस मूवी ने 52 लाख रुपए का बिजनेस किया है। कुल मिला के बात करें तो इस मूवी ने 3 दिन में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की कमी को देखते हुए सिनेमा हॉल के मालिकों ने फैसला लिया है कि फिल्मों की रेटिंग को लेकर आईएमडीबी को खूब अटेंशन दिया जाता है और इसने भी निकम्मा की रेटिंग कुछ खास नहीं दी है। निकम्मा की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 1.6 है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन साबिर खान ने किया है। दोस्तों इस तरह की रिमेक मूवी को देखकर आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।